आज हम ज्वाइंटिस यानी पीलिया के बारे में बात करेंगे। पीलिया क्यों हो जाता है, इसके कारण, इसके लक्षण एवं इसको कंफर्म करने के लिए क्या टेस्ट कराना चाहिए, इसके ट्रीटमेंट एवं पीलिया हो तो आपको क्या खाएं क्या ना खाएं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। सबसे बड़ा सवाल आता है कि पीलिया क्यों हो जाता है। हमारे ब्लड में आरबीसी होती हैं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इन्हें लाल रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। इनकी लाइफ साइकिल 90 दिन से 120 दिन की होती है और ये 120 दिन के अंदर मरने लगती, टूट जाती हैं या इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ हो जाने के बाद ये लीवर में जाती हैं, लीवर इनका मेटाबोलाइज करता है यानी कि डाइजेस्ट करता है। ये डाइजेस्ट होने के बाद इनका पित्त बनता है जिसे हम बिलिरुबिन कहते हैं, और ये पित्त जो होता है जो बाइल डक्ट यानी कि पित्त की नली के द्वारा बाहर निकल जाता है। यदि किसी कंडीशन में ये बाइल जो होता है ये बिलिरुबिन बाहर नहीं निकल पाता है तो ये ब्लड में फिर से डबल से ये है ना बिलिरुबिन जाने लगता है और हमारे ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। इसी बढ़े हुए बिलिरुबिन को हम पीलिया कहते हैं। चलिए सबसे पहले इनके कारणों के बारे में बात कर लेते हैं कि किन कारणों की वजह से पीलिया हो जाता है। सबसे बड़ा कारण होता है इसका आरबीसी का ज़्यादा टूटना। यदि किसी कंडीशन में आरबीसी ज़्यादा टूटती है, ज़्यादा मरने लगती है, इनकी डेथ ज़्यादा हो जाती है तो ये पीलिया होने का सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण होता है यदि आप किसी कंडीशन में आपको मलेरिया हुआ है या फिर टाइफाइड हुआ है या फिर फाइलेरिया हुआ है और उसका आप लंबे समय तक इलाज नहीं कराते हैं तब भी आपको जॉइंटिस होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। यदि आपको एनीमिया है, सिकल्स एनीमिया है, थैलेसीमिया है जिसके कारण आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटती है तो वो भी एक जॉइंटिस होने का कारण हो जाता है। यदि लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, पित्त नली में किसी प्रकार की सूजन है या किसी प्रकार की पित्त नली में रुकावट आ रही है या फिर पित्त नली में पथरी है या पथरी की रुकावट आ गई है जिसके कारण आरबीसी नहीं निकल पाती है, जिसके कारण ब्लड में डबल से चली जाती हैं, उसके कारण भी आपको जॉइंटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस वायरस के इन्फेक्शन के कारण भी पीलिया हो जाता है। तो इन सभी कारणों के वजह से पीलिया की प्रॉब्लम होने लगती है। चलिए इसके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं कि यदि आपको पीलिया की प्रॉब्लम हो तो क्या क्या आपको लक्षण नज़र आ सकते हैं। आपको बुखार बहुत ज़्यादा रहने लगता है, आपको पीलिया में पेट में दर्द होने लगता है, जहाँ राइट साइड जो लीवर होता है ना वो वहाँ पे लीवर में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है। आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आने लगती है, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है, भूख में कमी आ जाती है, आपको भूख बहुत कम लगती है, भूख लगती ही नहीं है, खाने खाने की इच्छा नहीं होती है, वज़न बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, उल्टी की इच्छा होने लगती है, यूरिन का कलर पीला हो जाता है, स्किन का कलर पीला हो जाता है, आँखों का कलर पीला हो जाता है और नाखून पीले दिखने लगते हैं और स्टूल का कलर वाइट हो जाता है, पेट में भारीपन लगने लगता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है एवं स्किन के अंदर बिलिरुबिन जमा हो जाने के कारण आपको इचिंग की शिकायत होने लगती है यानी खुजली की शिकायत होने लगती है। तो यदि इनमें से किसी भी प्रकार के आपको लक्षण नज़र आएँ तो आप एक बिलिरुबिन का टेस्ट कराएँ। यदि आपको बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार का आपको बढ़ा हुआ है तो आप तुरंत गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, वे आपके लिए कुछ टेस्टों के लिए एडवाइस भी कर सकते हैं जैसे कि सीवीसी, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, एलएफटी, सोनोग्राफी या फिर सीटी स्कैन के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। और यदि आपको बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, आप किसी डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप लीवर की टैबलेट कोई भी या सिरप आप स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा ना बढ़े, आपको लीवर में किसी प्रकार का और ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, जैसे लिफ़ 52 लिफिट टैबलेट या लिफ़ 52 सीरप वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यदि आपको पीलिया की प्रॉब्लम है या जॉइंटिस की प्रॉब्लम है तो आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। आपको मूली खाना चाहिए, यदि आपको पीलिया है तो टमाटर खाना चाहिए, पत्ता गोभी खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, सादा हल्का खाना खाना चाहिए, तो इस तरह का आपको हल्का खाना खाना चाहिए, तरबूज के बीजे खाना चाहिए, तरबूज खाने चाहिए, आपको चुकंदर खाना चाहिए, शकरकंद खाना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें खाना चाहिए आपको
और किसी भी प्रकार का आप जूस पी सकते हैं। और आपको क्या नहीं खाना चाहिए वो भी बात कर लेते हैं कि आपको पीलिया हो तो क्या नहीं खाना चाहिए। आपको नमक नहीं खाना चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए, अंडे नहीं खाने चाहिए, चिकन नहीं खाना चाहिए, फिश नहीं खाना चाहिए, आपको कोई वजनदार खाना नहीं खाना चाहिए, कोई तली हुई चीज़ नहीं खाना चाहिए, आपको दूध नहीं पीना चाहिए, दूध से बनी हुई बटर पनीर मक्खन ये सभी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, आपको शक्कर का यूज़ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि दालों में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है तो उस समय दालों का भी यूज़ ना करें, मटर का यूज़ ना करें, आप जंक फूड का यूज़ ना करें, जिन चीज़ों में जो रखी हुई चीज़ें होती हैं पैकेट वाली चीज़ें होती हैं उनका भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको चाय कॉफ़ी का यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको जो लीवर को जो बहुत ज़्यादा नुकसान दें, जो लोड पड़े जिन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो चीज़ों का भी आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आप इस तरह से आपको पीलिया की प्रॉब्लम है तो इन चीज़ों को आप यूज़ करके तो आप पीलिया की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं और लीवर को ज़्यादा से ज़्यादा आप आराम दे सकते हैं, जिसके कारण आपको पीलिया की प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो जाए। यदि आपको जॉइंटिस हो गया तो आप घबराएं नहीं, किसी अच्छे गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर को दिखाएं, आप खाने पीने का ध्यान रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, आपका दिन मंगलमय है और आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।